Hello everyone, welcome to this class of logo designing. जब भी आप अपना logo design करने का सोचते हैं तो what you have to think beforehand is कि आपको सबसे पहले अपने competitors को jot down करना होगा. You have to find out कि आपके competitors हैं कौन. Once you know your competitors name, तो फिर आपने उनके लोगोस को सर्च कर इस रिसर्च के अंदर आपने उन सब कैरेक्टर्स के जो लोगोस हैं उनको कलेक्ट करना है. कलेक्ट करके आपने उनको अपने माइंड में सेव नहीं रखना, रादर आप उसको एक सिंगल पेज के ऊपर पेस्टिंग कर सकते हैं. या तो आप वर्ड फाइल के अंदर वो सारी पिक्चर्स जो हैं सेव कर लें ताकि आपके पास एक कलेक्टिव ऑप्शन हो जिसके अंदर आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करें एंड यू जस्ट गो थ्रू ऑल द लोगोस जो आपके कंपेटिटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो कलर्स वो यूज़ कर रहे हैं और जो फॉन्ट्स वो यूज़ कर रहे हैं. इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना मूड बोर्ड बनाना होता है. अब मूड बोर्ड क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आता है, तो किसी भी अरेंजमेंट को जिसके अंदर हम इमेजेस को यूज़ कर सकें, टेक्स्ट को यूज़ कर सकें, कलर स्कीम को यूज़ कर सकें, डिज़ाइंस को यूज़ कर सकें और एनी मटेरियल, एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि आपके ब्रांड को कोरिलेट करता हो, वो सब बिट्स एंड पीसेस में जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस है उस अरेंजमेंट को आप कहते हैं मूड बोर्ड. इसको आप एक मूड बोर्ड को ओपन करें तो आपको लगे कि ठीक है जी, ये कलर्स, ये फॉन्ट्स और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको कुछ मिक्स एंड मैच करके मैं कुछ इमेजिन कर सकती हूँ कि मुझे अपना लोगो किस तरह का चाहिए. इसके अलावा जो आप आपको अपने मूड बोर्ड के अंदर लिस्ट ऑफ वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्रेजेस. फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी ब्रांड है आप उसका नाम लेके कम्फर्ट कम्स विथ डैश और लाइफ बिकम्स ईजी विथ डैश, इस टाइप के फ्रेजेस जो कि आपको अपने कंपेटिटर्स में उनकी टैग लाइन नज़र आती है उसको भी आप सेव कर सकते हैं, जिसको आप ट्विस्ट एंड टर्न करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं. आपको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, यू कैन री इन्वेंट द व्हील. आप एक क्रिएटेड चीज़ को ट्विस्ट एंड टर्न देके, एक अपना स्पाइस देके, यू कैन यूज़ इट इन योर ओन लोगो. फिर जो फॉन्ट्स हैं दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल और एज विल मूव फॉरवर्ड तो आई विल एक्सप्लेन कि आप किसी भी टाइप का फॉन्ट जो है वो उठा के अपने लोगो में नहीं कर सकते, दैट हैज़ ऑल्सो सम कैटेगरी. तो आपने जो फॉन्ट्स को यूज़ करना है वो भी आपने बहुत सोच समझ के अपने मूड बोर्ड के अंदर एड इन करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो होता है कि मूड बोर्ड बनेगा कैसे और कहाँ बनेगा. तो उसके लिए आप या तो पिंट्रस्ट को यूज़ कर सकते हैं या फिर कैनवा को यूज़ कर सकते हैं, फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर सबसे ईजी वे ये है कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ कर लें. तो आई विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज ऑप्शन वन बाय वन ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाए. अब अगर आप पिंट्रस्ट की बात करें तो सपोजिटली ये मेरा पिंट्रस्ट है, तो जूम इन कर लेते हैं और अगर आप देखें तो मैंने सेव्ड के ऑप्शन के अंदर ऑलरेडी मूड बोर्ड्स बनाए हुए हैं. जब जब मुझे कोई भी ऑर्डर मिलता है तो मैं उसको का एक मूड बोर्ड बना ले. इससे एक मुझे फ़ायदा ये होता है कि लेटर ऑन जब मुझे उसी नीश का एक नया ऑर्डर मिलता है तो फिर मैं इसी के अंदर जो है पॉजिटिव इवेंट प्लानर कोई है तो मैं उसी को ओपन करूँगी और मैं देखूँगी ठीक है, मैंने कंपेटिटर रिसर्च भी की थी इवेंट प्लानिंग वालों की, कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं, उनके क्या जो हैं वो लोगोज़ हो सकते हैं या कौन से फॉन्ट्स वो यूज़ कर सकते हैं, किस कलर थीम को वो यूज़ कर सकते हैं. तो आप उस सब को जो है वो एक
मूड बोर्ड के अंदर लेटर यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वन थिंग दैट आई हैव टू मेंशन हियर इज़ कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे सीक्रेट बोर्ड लिखा, इसकी वजह ये है कि मैंने इस बोर्ड को सीक्रेट रखा हुआ है क्योंकि ये मेरा बिजनेस प्रोफाइल है। तो मैं इसके अंदर जितने भी अपने नेक्स्ट ऑर्डर के लिए या अपनी किसी भी मेमोरी के लिए या रिकॉल करने के लिए कोई भी इमेजेस उनको आई कीप देम सीक्रेट, अदरवाइज आई डोंट शो देम ऑन माय पब्लिक प्रोफाइल जो कि कुछ इस तरह की है। ये तो वो पेंस हैं जो मैंने क्रिएट की। अदरवाइज अगर आप सेव्ड में जाएं तो सेव्ड में जाके यू कैन हैव एन आइडिया कि आप इस तरह से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते। अब मूड बोर्ड इस पे बनेगा कैसे? यू कैन सी दिस प्लस ऑप्शन ओवर हियर, आपने प्लस को क्लिक किया, बोर्ड को क्लिक करना है नॉट अ पेन, क्योंकि बोर्ड होगा तो उसके अंदर आपने मल्टीपल पेन्स को एड इन करना है। सपोजिटली मैं इसको रख देती हूँ सम एक्स वाई जी, आई एम कीपिंग इट सीक्रेट, क्रिएट बोर्ड। तो मेरा बोर्ड जो है वो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर जो एक्स वाई जी की कैप्शन के साथ जितनी भी पेंस हैं उसकी ये मुझे कुछ सजेशंस दे रहा है, वो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप सपोजिडली आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं फर्नीचर तो आपको ये तो ये मेरी पेंस का की ऑप्शन आ रही है, लेकिन मुझे अपनी पेंस की ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे ऑल पेंस चाहिए। यहाँ पे आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शन जिनमें से मैं जो मर्जी जो है वो सेव कर सकती हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मुझे सपोजिडली ये वाली पेन जो है वो अपीलिंग लग रही है एंड आई फील लाइक कि ये मेरे कॉन्टेंट के साथ जाती है या मैंने जो मूड बोर्ड बनाना है सम हाउ ये उसके साथ रिलेट करता है। तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इसको सेव का ऑप्शन करूँगी। अभी कहाँ सेव हुआ है और एक्स वाई जी सर्च करके यहाँ पर सेव करूँगी। तो ये मेरी सेव हो गया है सेम मूड बोर्ड के अंदर। अब अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे कलर्स क्या होने चाहिए लोगों में, फर्नीचर लोगों को मैं सर्च कर लूँगी एंड आई विल फाइंड आउट ये ठीक है, इस किस्म का कुछ सिंपल सा डिज़ाइन भी चलेगा जिसमें यू कैन सी सम चेयर्स, अ टेबल, सीलिंग लैम्प प्लस शेप ऑफ हार्ट, ठीक है, इस टाइप की भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग डाउन आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी और आप जो हैं यू विल बी इन अ गुड पोजिशन कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कलर्स को भी आप सर्च कर सकते हैं, आप फॉन्ट्स को सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल गो विद लोगो कलर्स। और अगेन आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आएंगे जिनमें आप तो जो जो लगे कि हाँ अगर मुझे पर्पल में जाना है, मुझे पिंक्स में जाना है, ब्लूज में जाना है या फिर मैजेंटा टाइप कुछ रखना है, तो रेलेवेंट कलर्स जो हैं वो आपके पास ऑप्शंस आएंगे। इसी तरह से आप कलर कार्ड को भी सर्च कर सकते हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऑप्शंस मिलेंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि मुझे कौन से कलर्स जो हैं वो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग रिलेट करते हैं। तो यू कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू मेक योर मूड बोर्ड। और अगर आप इसके अंदर एक और चीज़ जो है उसको नोटिस करें तो इसके अंदर एक आपको बहुत बड़ा सा इमेज नज़र आ रहा है और बाकी सब के अंदर छोटे छोटे इमेजेस, सब मूड बोर्ड्स के अंदर यही आपको फील आ रहा है कि आपका एक हाईलाइटेड इमेज है और दो छोटे छोटे इमेजेस। तो ट्राई टू कीप द हाईलाइटेड इमेज, वो वाला जो आपके ज़्यादा करीब हो आपके ब्रांड के और जिससे आपको फ़ौरन से आपके माइंड में क्लिक हो कि येस दिस इज़ दी डायरेक्शन विच आई विल बी टेकिंग, और आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ठीक है जी आई विल बी जंपिंग इनटू दिस काइंड ऑफ डायरेक्शन।
अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है कैनवा का। कैनवा इज़ एन अमेजिंग वेबसाइट, इट्स एन ऐप एज वेल, जिसपे आप आराम से अपने लोगोस को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं जो हूँ, अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ऑलरेडी लोगोस बने होते हैं, बस आपने उसके अंदर एडिटिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल लोगोस, ये लोगोस की ऑप्शन है। इसको आप आराम से इसके अंदर अपनी मर्जी का टेक्स्ट डालें, अपनी इमेज डालें, और फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग। और आपके पास यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप अपनी लोगोस को डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई सा भी आप डिज़ाइन उठाएं, इसको एडिट करें, अपनी मर्जी का ब्रांड नेम डालें, टैग लाइन डालें, एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आपको कोई ऑर्डर मिलता है और आपको वो अपनी स्पेसिफिकेशंस जो होता है, तो फिर आप कैनवा को यूज़ नहीं। रीज़न बीइंग कि आप जो हैं किसी और का डिज़ाइन जो है वो कॉपी पेस्ट, तो आप इन दैट केस आप बिल्कुल भी इसको यूज़ करके आगे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि तो आपके ऊपर कॉपीराइट का भी इशू बन जाएगा। तो हम आए क्या क्यों थे इस कैनवा पे? द रीज़न वॉज कि वी हैव टू द मूड बोर्ड। मैंने यहाँ पे मूड बोर्ड लिखा। आप इसके अंदर जब मूड बोर्ड लिखेंगे तो आपके पास वीडियो कोलाज का भी ऑप्शन है और फोटो कोलाज का भी। नाउ यू कैन सी कि वो सेम वही सेम चीज़ है जिसके अंदर आप मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। और ये क्योंकि प्रो है, तो दिस इज़ द पेड वर्जन। ये कुछ फ्री होते हैं, इनको फ्री को यूज़ करें। और इसका डिफरेंस ये होता है कि जो पिक्चर्स के आपको थंबनेल्स नज़र आ रहे हैं, जब आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के पिक्चर्स को ऐड इन करेंगे, तो ये इसी तरह से आपको अब सारी पिक्चर्स नज़र आएंगी, या तो इस सीक्वेंस में होगा, या इसमें होगा, या मे बी इसी। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं डिफरेंट सेलेक्ट करने की, वो ये बेसिकली ये हैं कि आपको अपने मूड बोर्ड के अंदर पिक्चर्स की अरेंजमेंट कैसे नज़र आनी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूजिंग द कैनवा। थर्ड ऑप्शन इज़ वेरी सिंपल कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलें, उसमें डिफरेंट पिक्चर्स को गूगल इमेज से सेलेक्ट करके, या फिर अगर आपको फोटोशॉप यूज़ करना है तो अगेन फोटोशॉप में भी सेम वही ऑप्शन होती है। कोरल ड्रॉ जो है सेम यही ऑप्शन होती है कि आप अपनी पिक्चर्स को एक ही पेज के ऊपर सेव इन करते जाएं। नाउ लेट मी शो यू हाउ यू कैन वर्क इन फोटोशॉप एज वेल। क्योंकि फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर थोड़ा सा टेकिंग होता है, होता है, अगर ये मेरा बोर्ड है क्या करूं? एंगल और इन सब को जो है साथ करो एक ही पेज आकर। उठाकर फर्स्ट पेज पे लेके जाना है यहाँ। लाइकवाइज यहाँ लेके कभी डाल। और इसी तरह से मैं थर्ड पिक्चर को भी ले आऊँगी, तो यहाँ पे भी मैं फोटोशॉप पर भी अपना मूड बोर्ड जो है उसको क्रिएट कर सकती। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ वर्ड एज वेल। अब हम आगे चलेंगे और मूड बोर्ड के बारे में हम मज़ीद जानेंगे कि कैसे वो बनेगा। तो आपको आपका जो मूड बोर्ड है वो बेसिकली एक स्टोरी सुनाना चाहिए। जब आप उसको ओपन करें तो आपको एक स्टोरी पता चले कि ठीक है जी, ये मेरा एक इम्पैक्टफुल इमेज है जो कि बेसिकली मेरे को रिप्रेजेंट
रिफ्लेक्ट करता है, जिसको आप ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे। कुछ इमेजेस आपको फ्री में मिलते हैं, आपके ऊपर कॉपी राइट्स का इशू नहीं होता, एंड आई विल बी टेलिंग यू दोज वेबसाइट जिनको आप फ्री के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है यूज़ अ लार्जर इमेज एज एन एंकर, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया इंटरेस्ट पे कि एक लार्जर इमेज होता है जो कि एंकर परफॉर्म कर रहा होता है, और वो ऑटोमेटिकली करता है जैसे जैसे आप अपने पिक्चर्स को सेव करते हैं, तो एक जो है वो एंकर के तौर पे वो उठा लेता है पिंटरेस्ट। और ये आपकी मर्जी होती है कि आपने किस इमेज को एंकर बनाना है। मूड बोर्ड जो है वो इंट्यूटिव होना चाहिए, आपकी इंट्यूशन को जो सही लग रहा है, आपने इसका कोई जो है पेट रूल नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि जी आपको यही यही करना है। इट इज़ ऑल अबाउट आपको जो कलर ठीक लगता है आप उसको ऐड इन करते जाएं, जो इमेज ठीक लगता है, जो ऑब्जेक्ट ठीक लगता है, जो टैग लाइन ठीक है, जस्ट कीप ऑन एडिंग। फिर उसके बाद यू हैव टू बी वेरी इंटेंशनल कि आप कर क्या रहे हैं, योर इंटेंशन हैज़ टू बी वेरी डायरेक्टेड कि आप जो हैं दो तीन चीज़ों को माइंड में रख के नहीं बनाएंगे अपना मूड। कि आप सोच रहे हैं कि ठीक है जी मुझे अपने फेसबुक पेज का बैनर भी बनाना है, अंदर ये होगा तो चलो वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ, नहीं, यू हैव टू बी वेरी इंटेंशनल कि आपका लोगो क्या है, एंड यू हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। और आपके पास जितनी ऑप्शंस आती हैं जस्ट कीप ऑन एडिंग, यू डोंट हैव टू थिंक नहीं ये तो कलर थोड़ा सा मैंने पहले भी ऐड किया, ये पिक्चर कुछ रिलेट नहीं करी, यू कैन नैरो इट डाउन लेटर। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मूड बोर्ड को बिल्ड करना है इन अ राइट डायरेक्शन। फिर जब आपका मूड बोर्ड बिल्ड हो जाता है तो आपने उसको मल्टीपल लोगों को और आपने उनसे पूछना है कि मेरा ये ब्रांड नेम है और मैं उसका लोगो जो बनाऊंगी उसके अंदर मुझे ये कलर्स यूज़, ये फॉन्ट यूज़ करना है, तो क्या ये मेरे ब्रांड को रिलेट करता है? क्योंकि इन द एंड आपका जो लोगो है वो पीपल प्लीजिंग होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी पीपल प्लीजर काइंड ऑफ पर्सन व्हेन यू आर मेकिंग अ लोगो। एक ऐसा लोगो जो मुझे खुद पसंद है लेकिन जब उसको एक क्लाइंट देखता है या फिर क्लाइंट के फर्दर क्लाइंट्स देखते हैं तो दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू इट, ऑल्दो आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म और बहुत ही इनोवेटिव किस्म का और जो क्लाइंट्स रिलेट नहीं कर पा रहे, इट इज़ ऑफ नो यूज़। कि हमारा जो लोगो होता है पर्पज़ होता है एक ब्रांड आइडेंटिटी और ब्रांड कनेक्टिविटी। अगर आपका क्लाइंट्स आपके लोगो की वजह से आपके ब्रांड से कनेक्ट नहीं, तो यू हैव फेल्ड एट द फर्स्ट स्टेप। फिर आपकी मार्केटिंग और आपकी सेल्स जो है वो सब कुछ इफेक्ट होगा। तो यू हैव टू थिंक कि आपका जो आप जिस डायरेक्शन में के बारे में लोगों का फीडबैक क्या है। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू डोंट हैव टू डू लोगो क्रिएट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एक ऐसा लोगो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि वो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन वो आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट नहीं कर। सपोजिटली मैं एक डक जो है उसका इमेज या ऑब्जेक्ट ऐड करती हूँ और मेरा जो ब्रांड है वो डिटर्जेंट का है, सो देयर इज़ नो कनेक्टिविटी बिटवीन अ डक एंड अ डिटर्जेंट। ऑब्वियसली फॉर अ डिटर्जेंट आई नीड टू हैव सम बबल्स काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर कोई सोप काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर किसी कुछ ऐसा इमेज जो है जिसको आप ब्रांड नेम नहीं भी लिखा हुआ तो आप कनेक्ट कर जाएं कि हाँ ये कुछ वॉशिंग से रिलेटेड चीज। फिर एक ऐसा लोगो जो कि फ़ौरन से लोगों को भूल जाए, ऐसा लोगो आपको नहीं बनाना। एक कनेक्टिविटी वाला एलिमेंट आपको माइंड में रखना। अवॉइड यूजिंग ओवर यूज डिज़ाइन। देन अ कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आप बनाने की कोशिश करेंगे उतनी जो है वो अफिलिएशन क्लाइंट की उस लोगों के साथ नहीं बिल्ड होगी, एंड देयर विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो कि जब आपका क्लाइंट जो है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा आपके लोगों के साथ। तो ऑलवेज मेक अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ लोगो जो कि सबको ईजीली समझ आए, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो हर कैटेगरी का हो सकता है, कोई सिर्फ अपर क्लास नहीं हो सकती, मिडिल लोअर हर क्लास हो सकती। सो यू हैव टू यूज़ अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ। फिर एक ऐसा डिज़ाइन जिसको आप रीसाइज या रीपर्पज नहीं,
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और मैंने अपने क्लाइंट को ही वॉन्ट सम रिविजन इंटर, लेकिन मैं कहूँ कि नहीं मैंने तो इस डिज़ाइन को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है कि मैं इसको रीपर्पज नहीं कर सकती, आई कैन नॉट एडिट इट इन एनी वे जो आपकी डिमांड है, तो अगेन दैट इज़ अ फेलियर एट योर एंड। तो देन द अदर थिंग इज कि आप अपने डिज़ाइन को रीसाइज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपका क्लाइंट कह सकता है कि इट इज़ अ एक सर्टन इमेज जो है दैट इज़ लुकिंग अ बिट बिगर, और आप कह रहे हैं कि नहीं अगर मैंने इसको रीसाइज किया, छोटा किया या इसको मैंने बड़ा किया, तो मेरी जो जितनी भी सेटिंग है बाकी ये चीज़ों की लोगों के अंदर वो सब डिस्टर्ब हो जाएगी, तो अगेन दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो आपको एक रीसाइजेबल रीपर्पजेबल लोगों को क्रिएट करना है। नाउ व्हाट टू डू योर लोगो क्रिएशन, यू हैव टू मेक अ लोगो जो कि एग्जैक्टली फिट करे आपके ब्रांड के, लोगों को वो याद रहे, वो आपका ओरिजिनल डिज़ाइन हो, कॉपी पेस्टेड ना हो, कहीं से आपने कुछ उसको उस किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के अपने लोगो में ना डाला हो, एवरीथिंग शुड बी ओरिजिनल, बहुत ही क्लीन एंड सिंपल लोगो हो जिसके अंदर, जिस तरह से आप पेप्सी का ऐड देखते हैं, इट इज़ सो सिंपल लेकिन जो है येट बहुत कनेक्टिविटी फील होती है, मेमोरेबल है, आपको कलर्स अभी भी याद हैं कि जी रेड और ब्लू है, और बहुत सिंपल सी शेप है, आपका डिज़ाइन जो है वो वर्सटाइल होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत आपको करीब ले जाती हैं एक अच्छा लोगो बनाने के, और बहुत ही ईजीली आप उसको क्रिएट कर सकते। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ठीक है जी ये बातें तो हमें पता चल गई, लेकिन अब हमें थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी तो चाहिए कि मैं जो सोच रही हूँ उसको मैं कहीं पे एक इमेज की फॉर्म में देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं किस टाइप का लोगो बनाऊँ, थोड़ी सी मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। फॉर दैट मैटर आई कैन शो यू मल्टीपल वेबसाइट्स जहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले है Behance, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे इस पर भी मूड बोर्ड्स की ऑप्शन है, फर्स्ट थिंग की ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप बना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने लोगोस दिए होते हैं, हर टाइप का यहाँ पर प्रोजेक्ट होता है। आप अगर लोगों को सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी लोगोस की, आप इससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन ले सकते हैं, यू कैन नॉट कॉपी देम ऑब्वियसली, लेकिन आप थोड़ा सा जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये लिंक ट्री नाम है और ट्री सिंपल सा बना हुआ है, ऐप हैट है, सिंपल सा एक लोगो का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, तो आप इससे थोड़ी सी जो है वो इंस्पिरेशन इस वेबसाइट से ले सकते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो किस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं। देन अनदर वेबसाइट इज़ लोगो मूव, बहुत अमेजिंग वेबसाइट है ये, इस अगेन ये भी आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन देती है जिसके अंदर आप लोगोस जो हैं वो सर्च कर सकते हैं और आपको थोड़ी सी कि मुझे अपना लोगो किस टाइप का बनाना, यू हैव टू सर्च योर नीश कि आपका क्या ब्रांड नेम है, उसकी क्या कैटेगरी है, और फिर अकॉर्डिंगली आप उस पिक्चर्स को इंस्पिरेशन को सर्च कर सकते हैं। थर्ड इज dribbble.com, अगेन dribbble जो है वो आपको एक ऑप्शन देती है कि आप अपना बनाया हुआ लोगो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं ताकि लेटर ऑन लोग भी आपकी डिज़ाइन से इंस्पिरेशन ले सकें। अब इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शन, आप वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, ब्रांडिंग सब कुछ यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। लेट मी फाइंड आउट के लोगोस जो हैं उसके लोगोस को भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यू विल बी हैविंग सम ऑप्शंस ऑफ लोगो, सो दिस इज हाउ यू विल बी सर्चिंग योर लोगोस। फिर एक और वेबसाइट है जी डाई लाइन जो है, अगेन इसके ऊपर बहुत सारे लोगोस आपको मिलेंगे, आपको इतनी अच्छी इंस्पिरेशंस मिलेंगी फ्रॉम इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स, यहाँ पर भी आप अपने अकाउंट बना सकते हैं, आप अपने लोगोस को सर्च कर सकते हैं।
और ये भी आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन देता है जहाँ पे आप कोई भी लोगो जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बार में आप लोगो लिख लें, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जिसमें आप सिर्फ लोगो सर्च करेंगे और बहुत अमेजिंग इंस्पिरेशन, बहुत इनोवेटिव यूनिक काइंड ऑफ डिज़ाइन मिलते हैं, सिंपल येट क्लीन, नो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग इन इट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इंस्पिरेशन। ऑब्वियसली पिंट्रस्ट तो आप बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास, देन गूगल इमेजेस इज अगेन वेरी गुड ऑप्शन। तो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं दे विल गिव यू अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप थोड़ा सा अपने आप को इंस्पायर कर सकें और आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी क्लियर हो सके जो कि स्टार्ट में वेग होगी। तो नाउ आफ्टर ऑल दिस व्हाट इज़ योर टास्क? आपको अपने कंपेटिटर्स को सर्च करना है, अपना मूड बोर्ड बनाना है और इंस्पिरेशन आपकी जो भी होगी, आप इंस्पिरेशन आप लग रहा है कि ये वाली वाला लोगो जो है मुझे अपील करता है और मेरे ब्रांड के साथ जाता है, आपने उन ब्रांड्स के लोगोज जो हैं वो कॉपी करके उनका भी एक अपने पास सेव करना है और फिर आपने जब अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट तो आपने उससे इंस्पिरेशन लेते हुए अपने डिज़ाइन को आगे लेके जाओ। सो आई होप दिस हैड क्लियर मेनी कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड रिगार्डिंग